जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स की अपने अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है, जिसका जो है परसेंटेज एज एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर एंड एलिगेशन और अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आज अपना फर्स्ट पार्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इससे पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि आपको कोई इंटरेस्ट मिला, आपने कुछ पैसे किसी को उधार दिए, मान लीजिए 1000 रुपये आपने उधार दिए 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, नॉर्मल सा R × T अपन निकालते थे। R × T मतलब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब 10 × 20% इसका निकाल लो, किसका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 20% निकालो तो अपने को मिल जाता था 200, ये अपना आंसर हो जाता था। लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे 1000 रुपये हैं, ठीक, 10% की क्या है रेट और 2% 2 साल का अपने को टाइम दे रखा है। तो देखिए, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे, फर्स्ट साल में 10% मिलेगा, सेकेंड साल में 10% मिलेगा, और जो सेकेंड साल होगा उसमें क्या होगा, ये 10% तो प्रिंसिपल का मिला लेकिन इसका भी कुछ परसेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, 10% इसका मिलेगा, मतलब कितना, एक ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10, 20 और 1, कितना, 21% अपने को मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना, सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा मिला, सिंपल इंटरेस्ट 20 मिल रहा था तो अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 21 मिला। ठीक, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1% का। अगर वो बोल देता कि 1% की वैल्यू 100 है तो आप बताइए कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आसानी से ज्ञात कर सकते थे, 100% × 100 कर देते। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं और मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर होता क्या है। देखिए, इसका जो है एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वो आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। और क्या है कि आप जो जैसे जैसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, और आपको भी पता ही है ही सही कि इसका देखो, आपको पता रहेगा कि ब्याज क्या होता है। ब्याज आपके दैनिक जीवन में भी यूज़ करते हो, कैसे करते हो, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने गए, उस पर क्या होता है कि बैंक जो है आपसे कुछ इंटरेस्ट लेती है, जितने पैसे हैं, मान लीजिए 60,000 की गाड़ी आपने खरीदी, 20,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी बचा कितना, 40,000 रुपये, और वो बोल देगा कि मैं इस पर 8% का ब्याज लूँगा। ठीक है, तो 40,000 का 8% कितना होगा, वो क्या होगा कि जैसे आपने किस्त दी तो उसमें कुछ ऐड हो जाएगा वो एक महीने का। ठीक, और उसके साथ साथ धीरे धीरे पैसे जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट भी उतना ही लगता जाएगा। मान लीजिए जैसे 40,000 पे वो बोल रहा है 40,000 रुपये पे 8% की दर से पैसे लेगा वो। ठीक, तो कितने महीने के ले रहा है, एक महीने के, साल कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो 12 महीने, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 8 चौक 32 हो गए, और देखिए 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 3 = 12 होता है। ठीक, तो 400 × 2 = 800, 800 × 3, 3 से काट देंगे तो 3 × 2 = 6, बचा कितना, 2 × 6 = 18, बचा कितना, 2 × 6 = 18, मतलब 266 रुपये क्या हो गए, उस पर 8% की दर से ब्याज हो गया। आगे क्या होता है कि अगर आपने ये 266 रुपये ब्याज नहीं दिया उसको, तो अगले महीने जो होगा कि मान लीजिए आपने एक किस्त नहीं भरी, तो 40,000 रुपये तो हैं, उसके साथ साथ 266 ये हो गया, क्या हो गया, इस पर इंटरेस्ट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 40,266 पे का 8% देना पड़ेगा। इससे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पे पे करना है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप ऐसे समझिए कि इसका जो है, आपने जब बचपन में थे या फिर आपने क्या किया होगा कि 9th और 10th पढ़ी होगी, तब आपको स्कूलिंग में जब आपको बताया होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू क्या, पी, 1 + R बाई कितना, 100 की पावर क्या, एन। देखिए अब इसमें मैं बता देता हूँ, ए मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट, ये होता है अमाउंट। ठीक, पी मतलब होता है वही मूलधन, मूलधन धन, धनराशि। ठीक, अब देखिए आर मतलब होगा रेट, रेट मतलब होती है
दर यह हमेशा परसेंटेज में रहेगी, ठीक है। एन एन मतलब होगा यहाँ पर टाइम, यह हमेशा ईयर में होगा, साल में, और अगर साल में नहीं होगा तो अपने को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर वो बोलता है 3 महीने, मान लिया जाए वो बोल देगा 6 महीने के लिए ले रहा है और 10% की दर है, तो हमेशा इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 6 महीने, अगर 6 मासी है तो आपको क्या करना है, समय को करना है दोगुना और रेट को करना है आधा, ठीक। समय को करना है दोगुना, मतलब कितना हो जाएगा ये, 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल, और ये हो जाएगी रेट आधी, कितनी, 5%। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, 5% की दर से अगर वो 12 महीने तक देगा तो मिलेगा कितना उसको, 10% ही मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसा है कि पूरा इजी करने के लिए आपको ये वाली अप्रोच अपनानी है, ठीक। ये हो गया एक फॉर्मूला। एक आएगा साधारण ब्याज और सीआई और एसआई का डिफरेंस, एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस जो भी होगा, या फिर सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा रहेगा पी आर स्क्वायर बाई कितना, 100 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। ये दो फॉर्मूले के बिहाफ पे ही पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका रहेगा, ठीक। देखिए, अपने को क्या करना है, अपने को तीन तरीके की मैं अप्रोच बताऊंगा। एक तो होगा इस फॉर्मूले से, अगर जो होगा डिफरेंस वाला आया तो आपको इससे करना है। और देखिए, अगर आपको फर्स्ट वाली अप्रोच मेरी ये रहेगी, सबसे फर्स्ट वाली जो रहेगी वो वाली रहेगी ये वाली, कौन सी, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर का, फिर निकालेंगे थर्ड ईयर का, ठीक। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन ये आता है कि 10,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये हैं, 10% की दर से 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दे रहा है, और एक मैं बताऊंगा आपको रेशियो से, रेशियो से किस तरीके से, ये मैं पहले आपको रेशियो से बता देता हूँ। देखिए, 10% का 3 साल तक लग रहा है, मतलब देखिए 1/10 होगा, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 10%। देखिए, 10 से बढ़ रहा है कितना, 1, तो देखिए 10 बढ़ेगा तो हो जाएगा 11। अब देखिए कितने साल तक बढ़ रहा है, 3 साल तक बढ़ रहा है, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर कितना, 10 से 11। अब देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 10 × 100, दस दाम 100 इंटू कितना, 1,000, और अनुपात करेंगे 11 × 11 × 11 कितना, 1,331, ठीक है। ये 10 का क्यूब हो गया, ये 11 का क्यूब हो गया, 1, 2, 3 बार, 1, 2, 3 बार, ठीक है। अब देखिए 10 का क्यूब मतलब ये, देखिए ये जो हुआ ये हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा अमाउंट और ये रहेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये रहेगा मूलधन और ये रहेगा अमाउंट। देखिए 1,000 रुपये आपने लगाए कितने, 3 साल के लिए कितने की दर से, 10% की दर से, तो यहाँ पर देखिए 1,000 से 1,331 हो गया, मतलब बड़ा कितना, 331, 331 जो है ये आपको क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 331 रुपये का, और यही क्या होगा आपका आंसर। अगर ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है तो ठीक है, वरना क्या है, आपको 33.1% करके आपको जो भी वैल्यू बताता है वो उसके बराबर में रख देना है, ये है परसेंटेज में, उसको क्या करना है आपको ओरिजिनल वैल्यू में रख देना है और समझ लेना है आपको, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं एक ये अप्रोच बताऊंगा, और अप्रोच क्या रहेगी मेरी, देखिए 1,000 रुपये हैं, 10% की दर से 3 साल तक दे रहा है, 10% की दर से, देखिए 10% इसका कितना होगा, 100 रुपये, ये मिलेगा आपको अगर 3 साल की बात कर रहा है, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, 1331, और अगर आपको 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की अगर आपको बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है 1:1, कैसे, 11 का स्क्वायर होगा तो वो होगा 1:1, और 11 का क्यूब होगा तो वो होगा 1331। इसमें जो होता है, 1 मतलब प्रिंसिपल होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, मतलब अगर वो पूछता है कि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर कितना है, तो वो हो जाएगा 31 का, ठीक, ये होगा 3.1% या फिर 31% का, ठीक है। चलिए एक अप्रोच ये होगी, देखें इसमें, देखिए अब ये देखिए 3 साल का था, तो देखिए 1331 लिखा ना मैंने, 1331 मतलब देखिए इस 100 का मतलब इस 1,000 का 10% निकालना है, वो अपने कितनी बार निकालना है, 3 बार, तो इसको 3 बार लिख दीजिए,
कैसे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक। और जो है इसका जो 10% निकलेगा, इसका 10% क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है, मतलब इस कंपाउंड इस 100 का कितनी बार मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 3 बार। कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, 10 × कितना कर देना है, 3, और इस 10 का भी आपको एक बार मिलेगा, यही ये बता रहा है कि एक, मतलब 10 का 10% एक बार मिलेगा, तो वो कितना होगा, एक। तो देखिए 100 × 100 × 100 कितने हो गए, 300, और ये कितने हो गए, 10 × 3 30, और ये कितना आया, एक। तो एक मतलब आपका आंसर होगा 3 3 1, यही आपका आंसर होगा। एक अप्रोच ये, एक अप्रोच ये, एक अप्रोच ये, और एक अप्रोच ये, मतलब कुल मिलाकर 2 से 3 अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, 45,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए सिंपल, देखिए आप 9% है, 9% है, कब कितने साल के लिए बोल रहा है, 2 साल के लिए। आप मुझे बताइए R × T होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिला है, मतलब देखिए 9% है 2 साल के लिए मिल रहा है, मतलब 9% 2 साल के लिए मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 18। और देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए कितना, 99.81, 0.81%, ठीक। अगर आप 45,000 का 18.81% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 साल का प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 18.81, 45,000 का निकालेंगे तो। अब आपको क्या करना है, 45,000 × 18.81 बटे कितना, 100, और यहाँ से 2 हटेगी तो ये 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 शून्य चली गई कहाँ से, यहाँ से, 5 दूना हो गए 10 और 5 नवे 45, ठीक है। अब देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72 का 2 हासिल का 7, 8 × 9 = 72 और 7 कितने, 79, हासिल का कितना, 7, 9 × 9 और 7, 9 × 9 और 7 कितने, 16। इसको काट लो आप 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 8,464.5, ये आपका आंसर होगा, ठीक। ये आपका आंसर हुआ कौन सा वाला, ये वाला, 8,464.5 रुपये, ये आपका आंसर होगा। एक अप्रोच तो ये हो गई, ठीक, इस तरीके से आपका आंसर आया। चलिए अगली अप्रोच अपनाते हैं, अगली अप्रोच देखते हैं, सॉरी, अगली अप्रोच देखते हैं। अगली अप्रोच में क्या है, आपको क्या करना है, हमेशा से बेसिक से लेकर हाई तक आपको जाना है। तो देखिए एक अप्रोच मैंने ये बता दी, एक अप्रोच आप देखिए फर्स्ट और सेकंड, ठीक, कितना परसेंट है, 9%, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 बटे कितना, 100, ठीक। तो 9 बटे 100 मतलब 100 था, 9 ऐड हो गया, कितना हो गया, 109, 100 से 109 हो गया। अब देखिए फर्स्ट साल 100 था, सेकंड साल 109 हो गया, फिर 100 था, फिर 109 हो गया, हाँ 100 × 100 कितना, 10,000, और 109 × 109 कितना होगा, तो देखिए 109 × 109, इसको आप करिए, अगर आपको 109 का स्क्वायर याद होगा तो आप इजीली इसको क्रैक कर जाएंगे। किस तरीके से, जैसे मेरी बात सुनिए, 109 × 109 अगर आप करते हैं तो आंसर होगा 11,881। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर याद करना है किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी 100 × 100 किया कितना, 10,000, और 109 × 109 कितना आया, 11,881, ठीक। मतलब जो ये है 10,000 रुपये, 10,000 जो आया है ये कितना है, ये ओरिजिनल कितना है, ये मैंने क्या बताया था, ये प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट, ठीक। मतलब 45,000, 45,000 है लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 10,000, 10,000 ना होके 45,000, कितना गुना है इसका, 4.5 गुना, तो देखिए × 4.5 कर दिया आपने, 45,000 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, केवल चक्रवर्ती ब्याज, तो यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा है, 18.81,
इसका 4.5 कर दीजिए, इंटू 4.5 कर देंगे आपको, तो आपका आ जाएगा 8464.5 रुपये। यही आपका क्या होगा आंसर, दूसरी अप्रोच हो गई। चलिए अब अगली अप्रोच देखते हैं। आपको मैं 3-4 अप्रोच से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है आगे प्रॉब्लम ना हो इस तरीके के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अगला देखिए, एक बेसिक देख लीजिए, a इज इक्वल टू p 1 + r / क्या 100 की पावर कितनी n, a आपको ज्ञात करना है, p आपको दे रखा है कितना 45,000, p मतलब होता है मूलधन, ठीक। रेट आपको दे रखी है 9% की, n यानी टाइम दे रखा है आपको 2 साल का। मैंने क्या कहा था आपसे, रेट जो है वो हमेशा परसेंटेज में रहेगी, ठीक है। तीनों चीज़ें दे रखी है, अपने को क्या करना है p की जगह 45,000 रख देना है। 1 + r क्या होगा आपका 9 / कितना 100 की पावर कितनी 2, ठीक है। 100 × 100 + 9 कितना 109 / कितना 100 इंटू 109 / कितना 100 इंटू कितना 45,000। 3 शून्य है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी। वही वाली अप्रोच आपको करना है, कितने 5 × 2 = 10, 5 × 9 कितना 45, 109 × 109 हो जाएगा 11,881 इंटू 9 / कितना 2। ये करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 8464.50। यही क्या होगा आपका आंसर। 3 अप्रोच मैंने आपको बता दी है, जिससे आपको अच्छी लग रही है वैसी आप करिए, ठीक। अब देखिए अगली अप्रोच, अगला तरीका है। अगला तरीका जो है वो अगर आपको पसंद आए तो वो भी आप कर सकते हो, किस तरीके से, ठीक। देखिए, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फर्स्ट ईयर का कितना निकालना है आपको 9%, कितना कितने का 45,000 का, 45,000 का 9% निकालेंगे, 9 × 45 का 5, हासिल का कितना 4 × 9 = 36 और 4 कितने 40, मतलब देखिए ये हो जाएगा 4050 रुपये। 4050, 10% फर्स्ट साल में मिला, सेकंड साल में भी कितना मिलेगा 4050। और इसका जो है ये आपको ध्यान रखना है 1 to 1 मतलब दो बार ये, और इसका जो मिला है इसका 10, इसका 9% मिलेगा, इसका 9% मिलेगा एक बार, कितनी बार एक बार। तो 4050 का कितना 9%, तो देखिए 9 × 45 = 0 कितना आया 4, तो 4 इज़ इट इज़ आ जाएगा, 9 × 36 होगा 3645 आएगा, या फिर 364.5, 4050 का 10% निकालना है अपने को, तो 364.5 आएगा, ठीक है। तो देखिए 4000 और 4000 कितने 8000, 5050 कितने 100, 8100, और कितना आया 364.5। इन दोनों को ऐड कर दोगे आप 5, 4, 6, 4, 8, 8, 4, 6, 4.5, यही क्या आंसर, ये वाला आपका आंसर। 4 तरीकों से मैंने आपको सोल्व करना सिखाया है, आपको जो अप्रोच अच्छी लग रही है वो अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैंने आपको क्या बताया है, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट पर ही मिलेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो आप निकालते आ रहे हैं इतने दिनों से, साधारण ब्याज आप ऑलरेडी निकालते हुए आ रहे थे इतने दिनों से, अब आपको क्या करना है थोड़ा एडवांस, एडवांस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 4000 रुपये की धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए 5% है, 5% है, 2 साल तक है, मतलब देखिए 5% का कितना होता है 5 का स्क्वायर कर लो, 5 से 2 साल तक रहेगा, तो 5 × 10 तो यहाँ पे होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो देखिए 10% तो साधारण ब्याज हो गया, 25 क्या हो गया 0.25% निकालोगे आप 25% 4000 का, तो ये होगा 25 × 100 मतलब कितना 10, ये आपका आंसर होगा। एक अप्रोच तो ये हो गई 100 और ये कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य गई, इस 1 शून्य से 1 शून्य, 25 × होता है 100 × 10, 1 शून्य से 1 शून्य गई 10 रुपये, ये क्या आंसर आपका, ठीक। एक अप्रोच ये हो गई,
और मैंने अभी आपको बताया था कि SI और CI का डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो इसका फॉर्मूला होता है पी आर का स्क्वायर बटे कितना 100 का स्क्वायर। तो देखिए पी मतलब होता है मूलधन, मूलधन मतलब 4,000 रुपये, इंटू आर का स्क्वायर मतलब कि आर कितना है यहाँ पर 5, स्क्वायर करेंगे 5 × 5 25 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे 100 इंटू कितना 100, डिफरेंस अपने को निकालना है तो यहाँ पर रख देंगे डिफरेंस, 2 शून्य से 2 शून्य गई, 1 शून्य से 1 शून्य गई, 5 5 होते हैं 25, 25 बटा कितना 5 × 5 हो यहीं पे है, 5 × 2 कितना 10, 2 × 2 = 4 और 5 × 2, 5 × 2 कितना आया 10, यही क्या होगा आपका आंसर, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए मिस्टर शर्मा ने 25,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया, निवेश की अवधि समाप्त होने पर मिस्टर शर्मा को कितनी राशि प्राप्त होगी, निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किया गया। ठीक है, देखिए 8% की दर से आपको निकालना है, 8% की दर से अगर आप निकालेंगे तो 8% की दर से 2 साल के लिए आपको कितना मिलेगा 16% मिलेगा, और आटा उटी होता है 64 मतलब आपको 16.64 रुपये मिलेगा। ठीक, मतलब 16 पॉइंट तो आपको क्या मिला साधारण ब्याज, और ये कितना मिला 64, आपको 64 आपको क्या मिला चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, देखिए इस तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले क्या कर लीजिए 25,000 का 0.64% निकाल लीजिए, 0.64% कितना होता है 2 शून्य से 2 शून्य गई और यहाँ पे आएगा 160 रुपये, ये पॉइंट, ये 2 शून्य लग जाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य गई, 5 5 होता है 25 और 5 2 होता है 10, 2 3 6 और 2 2 = 4, 32 × 5 होगा तो आएगा 160। ठीक, 160 रुपये, ये क्या आया, ये CI और SI का डिफरेंस आया। अब देखिए 160 रुपये तो ये हो गया, अब 25,000 का अपने को 16% निकालना है। ठीक, 16% निकालना है तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गई 25 × ये करेंगे तो कितना आएगा 4,000 रुपये, 25 × 100 देखिए 25 × 10 करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 150, 4,000, 4,000 ही आएगा। ठीक, 2500 और 1500 कितने होंगे 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 और 160 यहाँ पर आया, मतलब हो गया 4,160 रुपये, 4,160 रुपये हुए, ये आया अपना अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया और प्रिंसिपल कितना था अपने से क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया अवधि समाप्त होने से कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अपने से क्या पूछा है अमाउंट पूछा है, अमाउंट मतलब मिश्रधन पूछा है, ये बात आप ध्यान रखिए। यह आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, 25,000 ऑलरेडी है, 25,000 में आप 4,160 रुपये ऐड कर देंगे, 0,6,1,9,2,29,160 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली अप्रोच। अब सेकेंड वाली अप्रोच आप देखिए, देखिए आपको क्या करना है 25,000 रुपये 8% की दर से 2 वर्षों के लिए, 8% की दर, 8% का मतलब होता है बटा 100, 4 2 होता है 8, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 25 था कोई धन, बढ़कर कितना हो गया 2 = 27 हो गया, 25 कोई धन था 27 हो गया, 2 साल के लिए है 25 था 27 हो गया, 25 × 25 करिए आप कितना हो जाएगा 625, 27 × 27 करिए आप कितना हो जाएगा 729, 625 न होके कितने हैं 25,000, देखिए 25,000 में से इसको माइनस कर दें, इसको इंटू कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 15.625, इसका गुना है तो आपको क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज के लिए किया गया है तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसका 15.625 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 29,160 रुपये, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है कितनी 109 रुपये,
109 नहीं, 104 रुपये, 104% के आपको, मतलब ये कितना है, 625 की वैल्यू 625 ना होके 25,000 है, तो 104 की 104 ना होके इससे कितना गुना होगी, 15.625 गुना। इसका इसमें इंटू कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना मिला है अभी, 4,160 रुपये। आप घर पर कर लीजिएगा इन सबको, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी क्या है यहाँ पर वास्ट होगी, इसलिए क्योंकि मेरे को क्या है, मैंने उस उधर कर लिया इसलिए मेरे को याद है, ठीक है। एक अप्रोच ये हो जाएगी, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और थर्ड जो आप बचपन से करते आए हो, क्या 25,000 रुपये ए इज इक्वल टू पी, 1 + r/100 की पावर कितनी, n, ए इज इक्वल टू पी कितना, 25,000, ये क्या है प्रिंसिपल, 1 + r की जगह लिख दो 8 / कितना 100 की पावर n, मतलब 2, 25,000 8 से काट दें, 8 काटेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 × 2 = 4 × 5 = 20, 25 से कम 2 कितने 27/25 इंटू कितना 27/25। अब देखिए आप 25 से काट दीजिए, 25 × 3 = 0, 25 × 4 = 100, 2 = 0, 27 × 27 होता है 729, इंटू होगा 4, कितना आ जाएगा 9 × 36 का 6 हासिल का 3, 4 × 2 = 8 और 3 11 का 1 हासिल आया, 7 × 28 = 1 कितना 29, 2,916 रुपये, ठीक, मतलब 2,916, और ये 4 ना होके 2 शून्य लग जाएगी, मतलब 29,160 रुपये, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये वाली अप्रोच आपको समझ में आई, 3-4 तरीके से मैंने आपको करना बता दिया है, आपको जैसा अच्छा लगे जो सूट कर रहा है वो कीजिए, ठीक है, समझ में आया, बढ़े आगे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 408 रुपये हो जाता है, तो राशि बताइए, ठीक, मतलब ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ठीक, 4% से 2 साल के लिए कितना होगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 16, 8.16 की वैल्यू अगर, 8.16% की वैल्यू अगर एक 408 रुपये है तो 100% की कितनी होगी, यही अपने से पूछा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, निकाल लेना है, कैसे, यहाँ पे देखिए 8 × 0 = 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 51, 51 × 2 होता है 102, 2% की वैल्यू जो है 1 है, तो 100% की कितनी होगी, 50 × 2 कितना 100% × 2 करेंगे तो कितना आया, 2, 1, 2, 3, 0, मतलब 2000 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, लेकिन 2000 इसमें है क्या, नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऐसा पूछता है तो आपको ये वाली अप्रोच अपनानी है, ठीक, और अगर वो बोलता है कि ये जो 408 रुपये है ये जो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, मतलब CI और SI का अंतर है, CI और SI का अंतर कितना दे दिए 408 रुपये, और आपको पूछ ले 4% के क्या है आपके पास दर है, तो देखिए 4% की दर से मतलब 0.16 का अंतर कितना 408, क्या निकाला अपनों ने, ये तो साधारण ब्याज हो गया, ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा, 16 की वैल्यू अगर इतनी है तो 16 × 2 हो जाएगा 32, बचा कितना 8, 16 × 5 = 80, 0.1680, 1% की वैल्यू 25.5, मतलब 2 शून्य लग जाएगी, मतलब कितना 2.50, यही क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया, ठीक है, अगर ऐसा पूछता तो ये वाला आंसर होता, ठीक, लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, अपने से क्या पूछा है, ये वाली ली, ये वाला क्या हो गया, ये वाला आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी, 12,000 रुपये कोई व्यक्ति लेके आता है, ये क्या है प्रिंसिपल, रेट कितनी है 10% की, समय कितना है 2 वर्ष का, देखिए
10% की दर से 2 वर्षों तक दे रहा है, मतलब 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10%, 10 से बढ़ रहा है 11, मतलब 10 से 11 हो गया एक बार, सेकेंड ईयर फिर बढ़ा कितना 10 से 11, 10 दाम कितना 100, 11 इंटू 11 कितना 121, 100 सोना होके कितना है 12,000, मतलब कितना ज़्यादा गुना है 12, 120%। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज अपने को निकालना है। तो देखिए ये कितना है 21, 21, 21 न होके इंटू 12 हो जाएगा, कितना होगा तो 210 और 21 दोनों कितना 42, मतलब 2, 5, 2, 2520 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2520 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 120, और ये भी कितना है इंटू 120। ठीक, अगर ये निकल गया, ये निकल गया, तो इसमें इसको एडी करना है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी किस, ठीक है, 12,000 और 2500, 12, 13, 14, 12 और कितने आए 25, 20 आए, ठीक है ना, तो 25, 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ तक आया समझ में, 25, 20 आंसर है क्या इसमें, नहीं है, मतलब आप देखिए आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक ये अप्रोच अपना सकते हैं, और इसके साथ देखिए एक कौन सी है, एक फॉर्मूले वाली है, कौन सी, ए इज इक्वल टू पी हुआ 1+R/100 की पावर कितनी n। देखिए अगर a इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर कितनी n, a की जगह आपको क्या लिखना है, a तो अपने ज्ञात करना है, p की जगह क्या लिखेंगे 12,000 रुपये, 1+R की जगह 10, 100 की जगह 100, और n की जगह आप क्या लिखना है 2। देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 10 एकम 10, और 1 कितना है 11 बटे कितना 10, कितनी बार 2 बार, क्यों, क्योंकि समय अपने क्या दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। अब देखिए 12 कितना हो गया 1000, 2 शून्य कट जाएगी, 1 0 से 1 0 से 11 × 11 होता है 121, और 121 × 12 होगा कितना आएगा, देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे 1210 आ गया, ठीक, 121 × 2 करेंगे 242 आ जाएगा। अब देखिए 2 ये आया, 5 ये, 2 और 2 4, और 1 कितना आया 1452, सॉरी माफ कीजिए 1452, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ तक आया समझ में। 12 × 11 करेंगे, फिर इसका इसमें इंटू कर देंगे, कितना आएगा 132 × कितना 11, 1320, और 1320, ठीक है, 2, 5, 4, 1, 1452 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आया समझ में, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ई वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तरीका है फॉर्मूले से जाने का, 1+R/100 की पावर कितनी n। ठीक, देखिए ये कितना दे रखा है आपको 1000 रुपये, 1+R कितना है 10, बटे कितना 100, पावर कितनी है 5, 1 0 से 1 0 कटा, 10 एकम 10, और 1 कितना 11, 11 बटे कितना 10, कितनी बार 5 बार, ये आ जाएगा 1000 रुपये। 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगी, 11 × 11 × 11 × 11 × 11, देखिए 11 की घात अगर 4 आ जाए तो उसका होता है 14641, और इसका 11 कर दीजिए, 11 होगा तो कितना आएगा। ठीक है, आप देखिए 11 होगा 14641 का, तो इसका इंटू आएगा 161051, कितना आएगा 161051। ठीक, अब देखिए ये जो है ये वाली वैल्यू है, और इसके बाद कितना लगा नीचे से 2 शून्य, ठीक, मतलब बटे कितना आ जाएगा 2 शून्य, 10 × 10 कितना 100, 1610.51, मतलब देखिए 1000 रुपये इसके पास ऑलरेडी थे, बनकर कितने हो गए 1610, मतलब 610.50 जो है ये आपकी क्या हो गई, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ये वाला, यही वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक अप्रोच ये हो गई, आप देखिए
इसको आप एक तरीके से और कैसे कर सकते हैं वो देखिए। देखिए 10% की दर से बढ़ रहा है, कितने बार, 5 बार, 5 साल तक 10 से 11 हुआ, 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 इन सब का इंटू करेंगे 3, 4, 5, तो इसका आएगा 1, 6, 1, 0, 5, 1, ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, इतना था धन, इतना हो गया, मतलब बड़ा कितना, इतना बड़ा, ये भी ओरिजिनल ही है, इसको 2 शून्य कम मान लो, ठीक, 2 शून्य कम मान लो, और यहाँ से 2 शून्य लगा दो, 2 पॉइंट छोड़ के लगा दो, 1000 था यहाँ पे, 1610 बन गया, ये कितना आया, 610.51, यही आपका आंसर, ये आया समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी धन पर 2 वर्षों में 8% चक्रवर्ती 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 128। देखिए डिफरेंस वाला मैंने आपको बताया ही था, डिफरेंस लिखना है इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाय कितना, 100 का स्क्वायर, ठीक। पी अपने को ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है, तो पी की जगह पी लिख दीजिए, इंटू आर की जगह क्या लिख देंगे, 8 × 8, क्यों लिखा है 8 × 8, 8% क्या है, रेट है यहाँ पर, 8 × 8 होगा 64, और देखिए 100 का स्क्वायर मतलब 100 × कितना, 100, और ये बराबर है, डिफरेंस कितना है, 128 का, ठीक। अब इसको इससे काट दीजिए, कैसे काटेंगे, 8 से 8 एकम 8, 8 × 6 = 48, 8 × कितना, 8 एकम 8, 8 × 2 = 16, 100 × 100 = 2, 100 × 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 10, और कितना, 3 शून्य, 1, 2, 3, और इंटू 2 होगा, तो होगा कितना, 20,000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 20,000 क्या होगा आपका आंसर। एक अप्रोच ये है, एक अप्रोच और क्या अपना सकते हैं आप, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 8% है, माफ़ कीजिएगा, 8% की दर से 2 साल तक मिल रहा है, मतलब देखिए 8 × 16% तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, और जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना, 64। अब ये 0.64 जो है, इसी की वैल्यू 128 दे रखी है, 64 × 2 करेंगे आप, तो ये 0.1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो 100 की कितनी होगी, इसको हटाएंगे 1 शून्य आ जाएगा, और 100 × होगा तो कितने आ जाएंगे, 20,000, ठीक, 20,000 इसका सी वाला आंसर होगा। 3-4 अप्रोच मैंने आपको बता दी है नीचे से ऊपर चलने के लिए, और जो है देखिए आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, वो जब मैं अभी आप इतना याद रख लिए, और डिटेल में कभी मैं आपको पेड कोर्स में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी राशि को 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज में निवेश किया जाता है, ब्याज प्रति 6 माह संयोजित होती है, 1 वर्ष के बाद 7803 हो जाती है, राशि क्या है, 4% की दर है, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था 4% है, 6 माह अगर आ जाए, 1 साल का इसमें बोल रखा है, 6 माह होगी, साल को आप दुगना कर दीजिए, साल को दुगना कर दीजिए, समय दर को आधी कर दीजिए, 2 की बजाय कितनी हो जाएगी, 2%, और ये हो जाएगा 2 साल का, ठीक। 4% की दर है, 4/16 कर दीजिए, 4 एकम 4 × 8 = 4, 5, 20, 25 थे 26 हो गए, कितनी, 25 कोई धन था पी, और अमाउंट हो जाएगा 26, फिर 25 कोई धन था, कितने साल के लिए, 2 साल की बात कर रहा है, 25 था, कितना हो गया 26, 25 × 25 होता है 625, 26 × 26 होता है 676, ठीक। देखिए 7803 हो गया, मतलब जो है इस 676 की वैल्यू जो है वो है 7803 रुपये, तो इस 625 की अपने से वैल्यू पूछी है, आपको क्या करना है, 7803 को डिवाइड करना है 676 से, आपके पास आएगी वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 की वैल्यू आई, इसको आपको 625 में आपको कन्वर्ट करना है, कितना आ जाएगा, 7200 और समथिंग कुछ आएगा, ठीक, मतलब 7200 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्स कैसे काटना है आपको, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 7 × 3 = 10, 8 = 18, 6 × 6 = 12, और 7 कितने,
19, मतलब आप देखिए इसको डायरेक्ट काटिए कैसे, 7 से ही, 676 एकम 676 होता है, 780 में से 676 गए, 24 ये बचा, कितने हो गए 700, और एक कितना 80, मतलब 104 हो गए, ठीक, 100 और 4 ज़्यादा है, मतलब कितने 104 ज़्यादा है, तो 100 एक बार गया, 104 लिख देंगे, 104 और बचा कितना 3, मतलब कितना 1043 हो गया। 676 के पहाड़े में 1043 आता है, या इसके अप्रोक्स आता है, इसके अप्रोक्स से आएगा, क्योंकि इसका डबल होगा तो 1200 और 1350 और 252 हो जाएंगे, 1352 हो जाएंगे, ठीक, मतलब क्या है इसके अप्रोक्स आएगा, मतलब 11 के अप्रोक्स आएगा, 11 आप इसको मान लो। अब देखिए 676 है तो 4 आए, कितने 24 आ गए, तो कितने 700 और 300, 324 प्लस कितने 43, 4 3 7, 6 3, 367 आया, मतलब इसका आधा है, मतलब 0.5 लिख सकते हैं अपन, यहाँ 11.5 का इंटू अगर आप 625 में करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 7200 कुछ, मतलब इसके अप्रोक्स, मतलब 7200 आपका आंसर होना चाहिए। अपने से क्या पूछा है, राशि पूछी है, राशि मतलब ये वाली, 7200 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और आप इसको परफेक्ट लाने के लिए क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू पी का आप यूज़ करेंगे, ए आपको दे रखा है, पी बटे कितना कर लीजिए 7803, 1 प्लस आर की जगह रख दिए 4/100, पावर कितनी, सॉरी 4 नहीं रख के आप 2 रखिए, ठीक 2 रखिए, यही अपनों ने वहाँ पर गलती कर दी, 2% हो जाएगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 5 10 और 0, 50 एकम 50 और 1 कितना 51 हो जाएगा, 51/50 इंटू 51/ कितना 50 इंटू हो जाएगा पी बटे 7803, 7803, ठीक है। अब इसको अपने कैसे काटना है, 3 से काट लेना है, 3 एकम 321, 3 2 6, 3 6 18, 0 3 एकम 3, अब 17 से काट लीजिए कितना आएगा, 17 एकम 17, 6 और 3 कितने 9, 17 5 कितना 85, 5 और 1 5 आ जाएगा, 17 3 कितना 51 और 51 3, ठीक। अब 3 है, 5 5 25 × 3 कितना 7500, मतलब 7500 आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, 4% की जगह अपनों ने क्या, 2% की जगह अपनों ने 4% रख दिया था, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 122 रुपये है। देखिए 5% की दर है, 3 साल तक के लिए है, यहाँ देखिए 5 से कितना मिलेगा 15, फाइन देखिए 5 × 5 × 5 मतलब कितना हो गया 125, 1.25 मतलब 16.25 रुपये मिलेगा। अब ये देखिए 122 जो है ये किसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, ये दे रखी है 0.25 की, ठीक, 0.25 की वैल्यू अगर 600 सॉरी 122 है तो आपको क्या निकालना है 100% की, इसको इससे काट दीजिए, कैसे काटेंगे 25 से, 25 चौक होता है 100, 25 8 200, 25 8 200, 4880 रुपये आ जाएंगे, ठीक ठीक है, ये आया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाली अप्रोच ने अपनाते हुए अपने क्या करना है, सेकेंड अप्रोच अपनाना है, कौन सी, ये देखिए अगर 5% की दर से 3 साल के लिए आप करेंगे तो कितना आएगा, 1/20 की वैल्यू होती है 5%, मतलब कोई धन 20 था, 1 साल में बढ़ के कितना हो गया 21, 20 से 21 हुआ कितनी बार, 3 बार, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, ठीक, मतलब ये 8000 कोई धन था, 9261 हो गया, ठीक। लेकिन जो है इस पे मिलना कितना था 15% और मिला कितना 1261, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आई इसकी। देखिए इसमें जो है ये 8000 है, ये इसका दोनों का डिफरेंस है 1261। अब 12 जो है इसमें, 1200 जो है वो है प्योर, जो है वो प्योर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है,
और 61 जो है सी आई और एस आई का क्या है डिफरेंस, तो 122 हो गया। 61 की वैल्यू 122 है, 61 एकम 61, 61 दूना कितना, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एक की वैल्यू अगर 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 200, और 2 शून्य और लगा दीजिए क्योंकि ये क्या है ये पॉइंट का है, मतलब आपका आंसर क्या होगा 20,000। आपसे क्या ज्ञात करनी चाहिए राशि, तो राशि आपकी क्या हो जाएगी 20,000, इनमें से कोई नया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई राशि 2 वर्षों में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,832 हो जाती है, तो राशि आपको ज्ञात करना है। ठीक, अप्रोच क्या लगानी है आपको, 8% की दर है 2 साल के लिए है, 8 दूना 16 हुआ और आटा उठी 64 हुआ, 0.64 अपने को क्या दे रखा है। देखिए अगर आप ऐसे देखते हैं तो 116.64 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी 5,832 रुपये। ठीक, अगर जो है 116.64 की वैल्यू कितनी आ गई, 116.64 की वैल्यू अगर 5,832 है तो 100% की कितनी होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि देखिए इसको इससे काट लेना है। कैसे काटना है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसका क्या दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा है 5,000 से 5,000, 8 दूना 16 मतलब 1 दूना 2, 2% की वैल्यू अगर 1 है तो 50% की कितनी होगी, इंटू 50 कर दीजिए, इंटू 50 5 दूना कितना 10%, और ये कितना 5 एकम 5%, 5 एकम 5 रुपये, और ये पॉइंट का है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और 2 शून्य और लग जाएगी, 100% बनाएंगे इसको, 100% बनाएंगे, 2 शून्य और आ जाएगी, मतलब आपका आंसर क्या होगा ए वाला 5,000 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, चलिए ये वाली अप्रोच ही आपको लगानी है आपके जीवन में। ठीक, समझिए इस चीज़ को, आप बहुत आगे जाएंगे अगर आप इस अप्रोच का यूज़ करते हैं तो। ठीक, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से देखिए इसी को, देखिए इसके एक और अप्रोच लगा सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी है, 1+R/100 है कि पावर क्या है एन। देखिए ए जो है ए क्या दे रखा है, ए अमाउंट मतलब इतना हो जाता है, ये अपने को क्या है अमाउंट, ये इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, क्या है प्रिंसिपल के नीचे आ जाएगा, प्रिंसिपल बटे अमाउंट कितना 5,832, 1+R कितना 8% बटे कितना 100 की पावर कितनी एन मतलब 2, 8 से काटेंगे 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20, 25 एकम 25 और 2 कितने 27, मतलब कितना 27/25 इंटू 27/25। अब आप देखिए पी बटे 5,832 इंटू 27 इंटू 27 बटे कितना 25 इंटू कितना 25, 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 6 54 4, 9 4 36 और 7 9 8 72, 3 से काट दीजिए, 3 2 6 3 एकम 3 6 18, अब 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 2 18 और बचे कितने 3, तो 9 4 36, 3 से काटेंगे 3 8 24, 25 × 25 होता है 625। एक काम करिए 25 × 8 करिए होगा कितना 200, इंटू करेंगे 25 25 × 2 हो जाएगा 50 और 2 शून्य लग जाएगी, मतलब 5,000 आपका आंसर होगा। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको इसमें लग रहा होगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन मैंने आपको एडवांस लेवल का बता दिया, अब आप अगर ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी राशि निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष की दर से 246 रुपये हो जाता है, उस राशि पर 3 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 5% की दर से 2 साल तक मिला, मतलब कितना 5 × 10 मिला, पॉइंट कितना 25, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 0.25, ये कितना मिला 246 रुपये, मतलब 1025 की वैल्यू कितनी है 246। ठीक, अब देखिए 246 है
तो इसको इससे काट देंगे, कैसे काटेंगे, बटे 100 कर दीजिए, ये 100 इधर जाएगा, 1025 इंटू 2 कर दीजिए, 25 दूना कितना होता है 50, 2050, 2050 दो बार चला गया, ठीक। अब मतलब ये समझ लीजिए आप कि 1000, एक काम करिए 24600 इसको डिवाइड करिए 1025 से, तो आपका आंसर आएगा, मतलब ये चला गया 1050, मतलब 2050 और 2460 में से इसको माइनस करेंगे 0140, अब ये आ जाएगा 410, मतलब ये आ जाएगा, ये समथिंग चार बार जाएगा, देखिए 25 चौक 100 और 40, चार बार गया 24 आया, मतलब 1% की वैल्यू अगर 24 है तो 100% की कितनी होगी, तो इधर क्या कर दीजिए 100, मतलब कितना 2400। अब देखिए 2400 का इसने पूछा है 6 3 साल के लिए, मतलब कितना 18। अब देखिए 2400 का 18% निकालिए आप कितना आएगा, 2400 का 18% निकालेंगे यदि आप, तो 2400 का 18% होता है 432 रुपये। ऐसे क्विक आपको क्या है, क्विक कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, कैसे होगी वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका देखिए 24 से कम 24, मतलब 24 का 10 बार करिए आप, तो 24 का 10 बार करेंगे 240 आएगा, 24 का 8 बार करिए या फिर 24 दोनों 48, 240 में से घटा लीजिए, कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 40 उधर से गए, ठीक 8 इधर से जाएंगे, मतलब 192 आएगा, 240 और 192 को ऐड कर दीजिए, आपका 432 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपको अप्रोच हमेशा के लिए रखनी है, 432 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई राशि 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों में 6750 हो जाती है जबकि ब्याज सालाना संयोजित है, तो राशि क्या है होगी, ठीक। देखिए एक कोई प्रिंसिपल था, 2 वर्षों में कितना हुआ 4500, और अगले यहाँ से 2 वर्षों में हुआ 4500, और उसके 2 वर्षों में कितना हो गया 6750, ठीक। अब आपको ज्ञात करना है राशि, मतलब ये वाली आपको ज्ञात करना है, ठीक। इन दोनों का क्या कर लेना है आपको, परसेंटेज कितना, देखिए 5 9 45 0, 5 1 5, 5 3 15 5 5 25, अब इसको काट लीजिए कैसे, 5 से 9 से भी काट सकते हैं, 9 1 0, 9 1 9 1 9 5 45, 5 2 10, 5 3 15। अब देखिए 2:3 हुआ, अब आपको अगर आपने मेरे से रेशो पढ़ा होगा तो 2:3 का इन दोनों का रेशो बन गया, मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2:3 का रेशो होना चाहिए, ठीक 2:3 × 2:3। अब देखिए 2:3 होगा, फिर 2:3, ये मतलब ये कितना हो गया 3 × 2, 6, और 2 × 2 कितना 4, और 3 × 3 कितना 9, 6 और 6 की वैल्यू 4500 है, 9 की वैल्यू इतनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, यही अपने से पूछा है, ठीक। 6 की वैल्यू कितनी 4500, देखिए 6 7 कितना 42, 3 आया 6 5 30, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 750, 1 की वैल्यू अगर 750 है तो अपने को 4 की निकालनी है, 4 की कैसे निकालेंगे 75 × 2 कितना 1500, 1500 × 2 कितना 3000, ठीक यही आपका आंसर होगा, कौन सा वाला, सी वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से निकालना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही धीरे धीरे मैंने बेसिक से लेकर आपको हाई तक बताया है क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दैनिक जीवन में इसका क्या यूज़ है। देखिए आप क्या करेंगे, आप अगर अपने जीवन में देखेंगे तो डेली आप कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सबका यूज़ करते हैं, लेकिन आप क्या है उनसे विजिबल नहीं है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं उन चीज़ों पर। आप मार्केट गए कोई बुक खरीदने, बुक खरीद के लाए, उस पे जो सामने वाला है वो कभी उस बुक को लाया होगा, ठीक, वो उस बुक को लाया, उस पे कुछ इंटरेस्ट बढ़ाकर आपको दिया, उसने प्रॉफिट कमा लिया, वो जो इंटरेस्ट कमाया वो क्या है, उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ से बुक निकली होगी, उस पे कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, ये लेके आया होगा, इसने कुछ समय रखा, कुछ समय रखने के बाद इसकी बिक्री हुई, मतलब इसने कहीं ना कहीं अपने आप से पैसे कमाए, आपसे पैसे कमाए, सिंपल कमाया हो, कंपाउंड कमाया हो, लेकिन कमाया है इसने, ठीक है।
देखिए इसमें किस्त वाले भी सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वाली जो है सीरीज़ आपकी चलने वाली है, अर्थमेटिक मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है? तो आप ज़रूर से देखिए। थैंक यू सो मच।